मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बड़ी खबर। तो क्या कांग्रेस की नैया पार लगाएंगे भास्कर राव रोकड़े? देश के प्रसिद्ध विचारक, शिक्षित बेरोजगार युवाओं को सम्मानजनक रोजगार के अवसरों से जोड़ने हेतु संचालित समयक अभियान के प्रमुख भास्कर राव जी रोकड़े कांग्रेस में सम्मिलित हो चुके हैं। अब समयक अभियान मुद्दों को कांग्रेस के अभियान में बदल लिया है। हाल ही में श्री भास्कर राव जी रोकड़े ABC के मुद्दे पर चर्चा में हैं। तो हम श्री भास्कर राव जी रोकड़े से जानते हैं कि आखिर ABC है क्या, आखिर इसकी योजना मन में क्यों आई, ABC वर्ग में कौन कौन सी जाति सम्मिलित होंगी, ABC वर्ग को संवैधानिक मान्यता कैसे दिलाएंगे, ABC के लिए आरक्षण लागू कैसे होगा। भास्कर राव रोकड़े जी से जानना चाहेंगे ABC वर्ग में कौन कौन सी जाति सम्मिलित होगी, यह आप बताइए। देखिए, सबसे पहली बात तो यह आती है कि ABC क्या है। अब ये ABC की जो अवधारणा मेरे मन में आई उसका कारण ये है कि माझी, ढीमर और केवट आदि उस वर्ग के अन्य समाज जो थे, उस समाज के लोग मेरे पास आए और उन्होंने कहा, साहब हमारा प्रदेशव्यापी सम्मेलन है, उस सम्मेलन में हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित अन्य दलों के नेता भी आने से डरते हैं। हमने बोला, डरने का कारण क्या है? तो उन्होंने कहा, भाई हमारी मांग है कि हमें आदिवासी वर्ग में शामिल किया जाए, क्योंकि 1950 की आदिवासी वर्ग की लिस्ट में माझी समाज का नाम है और उपजातियों को उसमें उल्लेख नहीं किया गया है। बाद में महाजन आयोग बना और महाजन आयोग ने माझी संवर्ग की जितनी जातियां हैं उन जातियों को ओबीसी वर्ग में रख दिया। तब से हमारी लड़ाई चल रही है कि माझी, केवट, ढीमर आदि जितनी भी जातियां हैं इन जातियों को ओबीसी वर्ग से हटाकर अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल किया जाए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैंने उनसे कहा, यदि मैं आपके कार्यक्रम में आकर जिस मांग के लिए आप आगे बढ़े हैं, जिस सुविधा के लिए आप लड़ रहे हैं, उस सुविधा के अनुरूप ही कोई अलग तरीके से व्यवस्था बनाकर सुविधा देने के लिए कोई बात रख दूं, तो क्या आपका समाज नाराज होगा? तो उन्होंने बोला, साहब कुछ तो दे हमको, हमारी तो मांग यही है कि हमें सुविधाएं मिलनी चाहिए, हमें आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, हमारे समाज के विकास हेतु सम्यक योजना बनानी चाहिए। तो मैं 5 अक्टूबर को भोपाल में आयोजित प्रदेशव्यापी माझी महासम्मेलन में भाग लिया और उस सम्मेलन में मैंने पहली बार ABC वर्ग की बात रखी कि मैंने कहा, इस संवर्ग के समाज को ABC वर्ग में रखते हुए इन्हें अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से भी अधिक सुविधाएं देने की आवश्यकता है, क्योंकि यह समाज SC ST वर्ग में भी कई ऐसे समाज हैं जो काफ़ी विकास के दिशा में आगे बढ़ चुके हैं, उससे भी अधिक पिछड़ा है और इनके पिछड़ेपन को देखते हुए अलग से योजना बनाकर इस वर्ग के तहत सुविधाएं देने की आवश्यकता है। अब सवाल उठता है कि ये ABC क्या है? अत्यंत पिछड़ा वर्ग, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास। तो अब एक बात आती है कि क्या एक जाति को या उस संवर्ग की अन्य जाति उपजातियों को शामिल करके एक क्लास बनाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। इस ABC वर्ग की जो संकल्पना मेरे मन में आई है वो ये है कि ढीमर, माझी, मल्लाह, केवट, रैकवार आदि जो समाज हैं, जिन पेशे की दृष्टि से एक ही समान, जिनका काम है जो मछली मारते हैं, नाव चलाते हैं, फूड प्रोसेसिंग की परंपरागत इंडस्ट्री यानी कारोबार करते हैं, जैसे लाई, मुराचना आदि, इन सारी जातियों को, इसके अलावा लोहा का काम करने वाले लोहार, समकक्ष लकड़ी का काम करने वाले विश्वकर्मा, गाय बैर चलाने वाले गुवारी समाज और अन्य क्षेत्रों में गायरी धनगर समाज,
भेड़ बकरिया पालने वाले गड़रिया पाल समाज, धोबी का काम करने वाला रजक समाज, इसी प्रकार नाई समाज, ये ऐसे समाज हैं ये जिनको कि ये जो कि बहुत अधिक पिछड़े हैं, और जिस वर्ग में भी रहे, चाहे ये ओबीसी में रहे तो ओबीसी में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, कई समाज आगे बढ़े भी हैं, अगर ये एससी में भी रहेंगे तो प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, उस समाज में भी कई समाज आगे बढ़े भी हैं, एसटी में भी रहे तो प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, इसलिए इन सारे समाजों को मिलाकर एक ईबीसी वर्ग बनाने की जरूरत है। इसमें दो तीन बातें और महत्वपूर्ण हैं, एक तो ढीमर माझी समाज जो आदिवासी वर्ग में था और उनको वहां से हटाया गया, इसी प्रकार पनिका नाम से ही लगता है पानी भरने वाला समाज, वो वनांचल में ही रहता है, लेकिन उस समाज को 1971 में दो बड़े राजनेता जो किसी एक दल में ही थे उनकी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा थी, इसलिए उस आदिवासी वर्ग का लाभ उस नेता को न मिले, इस उद्देश्य से पनिका समाज को ही उन्होंने आदिवासी वर्ग की अनुसूचित जनजाति वर्ग की सूची से बाहर कर दिया। पनिका विंध्य के 8 जिलों के अलावा बाकी जगह में जनरल श्रेणी में आ गए थे, बाद में ओबीसी का क्राइटेरिया बना तो ओबीसी में आए। उसी तरह कीर समाज इंदौर संभाग में, भोपाल संभाग में और होशंगाबाद संभाग में वनांचल में ही रहता है, रहन सहन आदिवासियों के समान ही है, लेकिन पता नहीं किन कारणों से इस समाज को भी आदिवासी वर्ग से अलग कर दिया गया। रजक समाज शेड्यूल कास्ट में मध्य प्रदेश के मात्र 3 जिलों में आता है, भोपाल, सीहोर और रायसेन, इसके अलावा बाकी पूरे प्रदेश में यह समाज ओबीसी वर्ग में आता है। कुमार प्रजापति समाज मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र के 8 जिलों में, जो पुराने 8 जिले हैं उसमें, ये शेड्यूल कास्ट में आता है, बाकी जगह यह समाज ओबीसी वर्ग में आता है। रहन सहन, शिक्षा का स्तर, आर्थिक स्थिति, हर दृष्टि से देखा जाए यह समाज बहुत अधिक पिछड़ा हुआ है, ये चाहे इनको जिस वर्ग में भी स्थापित वर्ग में रख दिया जाए, चाहे एससी में रखे, एसटी में रखे, ओबीसी में रखे, ये प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए इन सारे समाजों को मिलाकर कर ही लड़ रहा था भीमर माझी समाज, और कुल मिला के आरक्षण की लड़ाई कुछ ज्यादा लगती है। तो ये बात आती है कि आरक्षण कैसे मिलेगा, तो आप लोग जानते हैं महाजन आयोग भी जब बना, आयोग ने रिपोर्ट दिया तो पढ़ाई करने वाले बच्चों को भी छात्रवृत्ति वगैरह आदि की सुविधा ओबीसी वर्ग में मिलने लगी थी, और उसी के अनुरूप स्थानीय निकाय, पंचायतों आदि में भी आरक्षण की व्यवस्था देते हुए प्रदेश स्तरीय नौकरियों में उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था करने संबंधी प्रावधान लागू कर दिए गए थे या किए जा रहे थे। तो यदि आयोग की रिपोर्ट के बाद जातियां तय हो जाती है, ईबीसी की जनगणना सामने आ जाती है, परसेंटेज तय हो जाता है, तो राज्य विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके उसके अनुरूप आबादी के अनुपात में आरक्षण सुनिश्चित किया जा सकता है राज्य स्तर की नौकरियों में, स्थानीय निकाय के चुनाव में, पंचायत चुनाव में, इस तरीके से लाभ इनको आरक्षण का मिल सकता है। लेकिन विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण दिलाने के लिए सर्वप्रथम विधानसभा से प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेजना पड़ेगा, और केंद्र सरकार विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा से पारित कराने के बाद ही विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण संबंधी कोई व्यवस्था दे सकती है। लेकिन राज्य की व्यवस्था में इन्हें नौकरी से लेकर स्थानीय निकाय और पंचायत स्तर पर आरक्षण की सुविधा भी मिल सकती है, प्राधिकरण के गठन से इनके सर्वांगीण विकास की योजना बन सकती है, जैसे ढीमर माझी समाज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में उनके बराबर का कोई भी नहीं है, सबसे पुराने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री चलाने वाला ढीमर माझी समाज ही है, जो चना, मुरा, धान आदि का प्रोसेसिंग करता था, मछली भी मारता था तो मछली को भूज करके उसको प्रोसेस करके बाहर भेजता था, इस प्रकार फूड प्रोसेसिंग का सबसे पुराना ज्ञान उनको ही है। लोहार लोहे के उपकरण बनाता था, लकड़ी के सामान बनाने वाला विश्वकर्मा आदि जो भी है, ये पेशेगत समाज है, इनके हाथ में कला भी है, और ये अब समय ऐसा बीता कि ये सब काम उद्योगों में होने लगे, इनका पैसा इनके हाथ से छीन गया है, ये बहुत दुर्दिन में है, इनका घर कैसा चले, परिवार कैसा चले, इन्हें समझ में नहीं आता, बच्चों को पढ़ाने लिखाने की बात तो बहुत दूर की है, आदिवासियों से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं, अनुसूचित जाति वर्ग के समाज से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं, इनको
विकास की मुख्य धारा से यदि जोड़ना है तो उनके लिए ईबीसी अर्थात एक्सटर्नली बैकवर्ड क्लास बना करके सम्यक विकास की योजना बनाने की आवश्यकता है।